नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी सीटेट की जो क्रैश कोर्स की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी है और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 करेंगे आज हम। इसके अंदर मेनली हम प्रिंसिपल्स एंड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये PDF हमारी पूरी इंग्लिश में रहेगी, आपको मिल जाएगी PDF। अगर आप चाहते हैं कि ये PDF हिंदी में भी पढ़ें तो कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा। बाकी इसके साथ मैं वीडियो में आपको हिंदी के जो टर्म्स हैं वो बताता रहूँगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हमारा जो विकास होता है उसके अभिलक्षण या होते हैं जो, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसको कई जगह अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, तो मैंने इन दोनों को एक ही मिला के और एक ही तरह से एक ही में जितने पॉइंट्स थे सारे डाल लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो है डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, जब माँ ने कंसीव किया, जब गर्भ धारण किया, उससे लेकर आपका जो जब आप मरे, ठीक है, तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है। वोम टू टोम, ये एक बहुत फेमस कोट है, वोम टू टोम, आपका डेवलपमेंट होता ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। चलिए अब आते हैं अगले पे। डेवलपमेंट चेंजेस आर ऑफन सिस्टमेटिक, प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली। देखिए, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो व्यवस्थापरक, ठीक है, व्यवस्थापरक आएगा, प्रज्ञात्मक, प्रोग्रेसिव होते हैं, प्रगति से प्रज्ञात्मक बना हुआ है, ऑर्डरली यानी कि नियमित। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ये सिस्टमेटिक चेंजेस होते हैं हमारे कि एक सिस्टम में रहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो ये बड़ा सिस्टमेटिक हमारे जो चेंजेस रहते हैं वो सिस्टम में चलते हैं कि पहले ये होगा तो फिर ये होगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं हो रहा कहीं से कुछ हो रहा कहीं से कुछ हो रहा है। डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो सिस्टमेटिक चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव होते हैं मतलब रिग्रेसिव नहीं होते, कुछ हमारे में कमी नहीं आएगी, हम ऊपर ही उठेंगे। ठीक है, और ऑर्डरली, ये एक ऑर्डर में भी चलेंगे कि पहले अगर जैसे आप आगे देखेंगे कि कौन से ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये एक ऑर्डर में भी चलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। मल्टी डायरेक्शनल, देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। अब देखिए इसका मतलब होता है हिंदी में बहुआयामी। बहुआयामी का मतलब क्या है अगर मैं बताऊं तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब हमारे में ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज में, जैसे हमारे बहुत सारे आयाम होते हैं, अभी हम बात करेंगे कि उसमें जब डोमेन्स होते हैं ना जो हमारे विकास के, एक चीज में तो हमारा इंक्रीज होगा और दूसरी चीज में डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ कोट किया कि जैसे हो सकता है कि एक आदमी बूढ़ा हो गया, उसकी वोकैबुलरी तो इंक्रीज कर रही हो, ठीक है, वोकैबुलरी तो इंक्रीज कर रही हो, यानी कि उसके जो उसको पता है शब्द वो तो उसको और ज्यादा पता चलते जा रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में उसका वेट लूज हो रहा है और उसकी जो मेमोरी है वो भी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल जब उसका निकाल के देखेंगे तो बेशक ये कम होते जा रहा है, कमजोर हो रहा है वो, लेकिन ओवरऑल एक चीज बड़ी तेज गति से बढ़ रही है, इस वजह से उसका बहुआयामी होगा कि मतलब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घट सकती है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो ओवरऑल फिर भी डेवलपमेंट होगा उसका। अब अगले पे चलते हैं हम। नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट, देखिए डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता कि अगर ऐसे है तो बढ़ता ही जाएगा, नहीं, जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक पठार आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है पठार कि एक टाइम ऐसा होता है कि बहुत स्लो रेट से बढ़ेगा, मतलब एक रेट नहीं रहती, ऐसा नहीं होता कि अभी बच्चा तेज, जैसे आगे हम पढ़ेंगे वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रेट से बढ़ता है बच्चा। ठीक है,
तो वो कौन कौन से होते हैं, तो इसका मतलब वही है कि डेवलपमेंट कभी कॉन्स्टेंट नहीं होता, कि अगर इस रेट से अभी बढ़ रहा है बच्चा, विकास बच्चे का इस रेट से हो रहा है तो हमेशा इसी रेट से होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, ये गुणात्मक। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर है कि डेवलपमेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये दोनों आते हैं, क्वांटिटेटिव भी आता है और क्वालिटेटिव भी आता है, मात्रात्मक भी आता है और गुणात्मक भी आता है। ठीक है, जैसे जो उसकी इंक्रीज इन हाइट एंड एज वगैरह है, ये उसका मात्रात्मक आ जाएगा, जिसको मान माप सकते हैं हम। ठीक है, और दूसरा जो मॉरल वैल्यूज वगैरह बनी है, ये उसकी क्वांटिटेटिव है, सॉरी क्वालिटेटिव है, यानी कि वो गुणात्मक है। तो क्वेश्चन ये एक बार आया भी हुआ है सीटेट में कि बताओ हमारा विकास होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, दोनों होता है, या दोनों में से कोई नहीं, इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आइए चलते हैं आगे। अब देखो कह रहे हैं डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस। देखो अलग अलग थ्योरीज आई है हमारी, जैसे आगे हम पढ़ेंगे जो पियाजे की आएगी या फिर आपका वाइगोत्स्की की आएगी, ये अलग अलग कुछ लोग थे जो हमारे डेवलपमेंट को, कुछ लोग कंटिन्यूअस कहते थे, कुछ लोग डिसकंटिन्यूअस कहते थे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है विच्छन। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है विच्छन। अब इसका मतलब होता क्या है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चेंजेस नहीं दिखते, और वो पूरे टाइम में अगर देखें तो वो चेंजेस एकदम हो जाते हैं, जो हमें विजिबल नहीं होते। ठीक है, तो वो हमारा होता है कंटिन्यूअस। जैसे एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही है, तो एक बंदा अगर उसको डेली देख रहा है तो वो देख नहीं पाएगा उसको। वहीं एक बच्चे का अगर दांत निकल रहा है, समझ रहे हो, अगर एक बच्चे का दांत निकला तो वो तो एकदम अचानक ही दिखेगा ना कि हाँ इसका तो दांत निकला आया। तो वो ये तो हो गया डिसकंटिन्यूअस, जब एकदम एक चीज दिखी गई। जिन्होंने भी स्टेजेस दी है ना हमारी, वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं इसको। ठीक है, कि एक स्टेज के बाद में, जैसे पियाजे, पियाजे कहता है डेवलपमेंट पियाजे के अकॉर्डिंग डिसकंटिन्यूअस है, विच्छन है, जबकि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस है। वो भी हम जब उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिसकंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। रिलेटिवली स्टेबल, देखिए जो हमारा कभी लर्निंग को और डेवलपमेंट को दोनों को ही कहा गया है कि रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वेदर का हमारे ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है या थकान का कुछ फर्क पड़ रहा है, तो इस चीज़ से उसको हम डेवलपमेंट नहीं मानते, जो बहुत छोटे समय के लिए होती है, बाकी सारी चीज़ें डेवलपमेंट है अगर हमारे में अंदर कुछ इम्प्रूव आ रहा है तो। ठीक है, अब देखो मल्टी डायमेंशनल, सॉरी मल्टी डायमेंशनल, अब एक पीछे आया था मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल में क्या था कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट सकती है, ये वाली चीज हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब है मल्टी डायमेंशनल। अब हिंदी वालों की बात ये है कि दोनों को ही बहुआयामी कहते हैं, दोनों ही चीजों को, मल्टी डायमेंशनल को भी बहुआयामी कहेंगे और मल्टी डायरेक्शनल को भी अगर मैं देखूंगा तो बहुआयामी कहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश की टर्म्स उन्हें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई वैसे ही मुश्किल मुश्किल है। विच्छन है मान लो, डिसकंटिन्यूअस आज लोगों को ज्यादा समझ में आएगा और विच्छन उनको कम समझ में आएगा, तो इस वजह से अगर याद करनी है तो टर्म्स तो कम से कम इंग्लिश में याद कर लो। चलो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है कि कई चीजें हमारी एक साथ, जैसे फिर वही वाली बात कि अलग अलग हमारे जो डोमेन्स हैं वो एक ही साथ हमारे एक तो रुका हुआ हो। ठीक है, कि हमारा मान लो हमारा शारीरिक विकास है वो कम हो रहा है, और दूसरे वाला विकास होगा वो एक ही टाइम पे अलग अलग बढ़ सकता है। ठीक है, एक ही टाइम पे हमारा अलग अलग तरह का विकास हो रहा होगा, ये हमारा बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, जबकि हमारी जो ग्रोथ होती है वो यूनिडायमेंशनल है, जब मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, उसका एक ही आयाम होता है और इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं वो, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि एक चीज हमारी बढ़ रही है। ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि एक बच्चा अगर हाइट बढ़ी रही है तो वो
उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, जो उसकी मेंटल एबिलिटी है, वो भी बढ़ रही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लचीला होता है, देखिए प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल, ठीक है, कि हमारा जो ये होता है, ये हमारा इसको कई जगह इलास्टिक भी मिलेगा आपको, इलास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड ये करता है कि कभी एक पर्सन के टाइम पे एक एक आदमी एक ही एक समय में सडनली कुछ ये चीज़ों में जल्दी इंप्रूव करने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए से हमारा डेवलपमेंट प्लास्टिक होता है। ऐसा नहीं होता कि मेरी रेट ये वाली है तो यही वाली चलती रहेगी, हो सकता है मेरी रेट ये और एकदम ऊपर बढ़ जाए और फिर मेरी नीचे डाउन आ जाए, फिर वो एकदम ऊपर बढ़ जाए। तो इस तरह से हमारा ये विकास होता है, वो लचीला होता है। ठीक है, कि कभी कम कभी ज्यादा होता ही रहता है, ये आया समझ में। और हर हर बंदे ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल मतलब प्रासंगिक। ठीक है, ये हमारा प्रासंगिक होता है, यानी कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं। देखो, जो इंडिया का जो बंदा है, जो इंडिया में जो रहता है, उसका डेवलपमेंट जो अमेरिका में बंदा रहता है उससे अलग तरह से होगा, जो चाइना में बंदा रहता है उससे अलग तरह से होगा। ऐसे जो हमारा गांव का बच्चा है उसका विकास अलग तरह से होगा, और जो हमारा शहर का बच्चा है उसका विकास अलग तरह से होगा। देखो, ये देखा गया है, ये समझाई जाता है कि जैसे जो गांव का बच्चा होगा वो शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम होगा शहर के बच्चे से। ठीक है, और इसी तरह से जो शहर का जो बच्चा होगा उसको संज्ञानात्मक विकास उसका माना जाता है कि उसका जल्दी हो जाता है या उसका अच्छा होता है गांव के बच्चे से। तो वो पूरा का पूरा हमारा डिपेंड करता है कि किस तरह की हमें ट्रेनिंग मिल रही है, किस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, उसके अंदर से हमारा हिस्टोरिकल इफेक्ट क्या है, ठीक है, एनवायरमेंट इफेक्ट क्या है, सोशो कल्चर फैक्टर क्या है, ये बहुत सारी वजह से हमारा इफेक्ट करता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो यही सारी चीजें करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस बारे में। एक जो लास्ट रहता है वो होता, हमारा होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। जो हमारा विकास होता है वो हर बंदे में हर तरह अलग अलग तरह से चलता है। इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत अंतर होते हैं लोगों के अंदर। ठीक है, इसमें तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपने डाइट वगैरह एजिबिलिटी की है ये आप समझ ही गए होंगे कि हर बंदे का अलग तरह से विकास चलेगा। ऐसा नहीं कह सकते आप कि उसने 5 साल का होके अगर ये वो ये चीज करने लगा था तो अब मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा, या वो बच्चा 8 महीने का पैदल चलने लगा था तो मेरा बच्चा क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है, वो बच्चे पे डिपेंड करता है, वो मेरा व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्तिगत अंतर होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, अब आगे चलते हैं हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। देखो, इसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको भी कभी नहीं बताया जाता। एक होते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, हमारे जो विकास के प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं इसको, ये है विकास के प्रभाव क्षेत्र, और वो होते हैं अधिगम के प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, तो दोनों में ही अलग, दोनों अलग अलग हैं। उसके अंदर हमारा साइकोमोटर आ जाता है, कॉग्निटिव आ जाता है, ये सारी जो हैं वो वहां आती हैं, लेकिन यहाँ अलग है हमारा। ठीक है, ये मेरा ये डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, वो डोमेन्स ऑफ लर्निंग होते हैं। तो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट भी हमने 3 भागों में बांटे हुए हैं, वहाँ पे भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला होता है फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन का मतलब होता है दैहिक प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, दैहिक प्रभाव क्षेत्र। सोशो इमोशनल डोमेन, इसका मतलब होता है सामाजिक संवेगात्मक डोमेन। ठीक है, सामाजिक संवेगात्मक डोमेन होता है इसका। और ये कॉग्निटिव डोमेन, ये होता है संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब क्या होता है कि बच्चे इस चीज को कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञानात्मक तो भैया वहां भी आया था और यहाँ भी आया था, लेकिन दोनों में फर्क होता है, आप इस चीज को ध्यान से समझ लेना। जो ब्लूम ने जो दिए है वो डोमेन ऑफ लर्निंग दिए हैं, ठीक है, ना कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। चलिए अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज होती है। देखो, फिजिकल के अंदर जो हमारा देहिक होता है, देहिक में ही मोटर और आ जाता है, मोटर यानी कि गतिक। ठीक है, देहिक एवं गतिक क्षेत्र, ठीक है, विकास के गतिक क्षेत्र। इसके अंदर क्या चीज होता है, इसके अंदर देखो, बॉडी का जो साइज होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, और जो मोटर डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें हमारी आती हैं। ठीक है,
मोटर डेवलपमेंट जो हमारा गतिक होती है वो भी दो तरह से चलती है, ठीक है। एक तो होती है फाइन मोटर स्किल्स, एक होती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है। फाइन यानी सूक्ष्म, जैसे हम अगर ड्राइंग करना सीखूं तो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ या जो जिसमें सफाई वाला काम होता है, या बटन के अंदर मैं धागा मतलब बटन लगा रहा हूँ या फिर सुई के अंदर धागा डाल रहा हूँ, तो इसके अंदर जिसके अंदर सफाई ज़्यादा चाहिए ना वो मेरी होती है सूक्ष्म, और जिसके अंदर ताकत ज़्यादा लगती है वो होती है ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी, जब साइज वगैरह की बात आ जाए और इन सारी चीज़ों की बात आ जाए, स्ट्रक्चर की बात आ जाए, फंक्शनिंग की बात आ जाए, जब हमारा शरीर मजबूत हो रहा है उस सारी चीज़ों की बात आ जाए, तो देहिक और गतिक क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। एक होता है हमारा कोग्नेटिव, कोग्नेटिव के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। कोग्नेटिव हमारा होता है मेनली दिमाग से रिलेटेड, ठीक है, हमारी समझ से रिलेटेड और ये सारी चीजें। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, इंटेलेक्चुअल आ जाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में कोई कितना बच्चा इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल आप समझ रहे हैं ना कि क्या देते हैं कि वो सारी चीजों को समझ सकता है, ये सारी चीजें। और मेमोरी, मेमोरी से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं, अटेंशन से रिलेटेड आ जाते हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड आ जाते हैं, एकेडमिक नॉलेज से रिलेटेड आ जाते हैं, मतलब दिमाग वाली जितनी सारी चीजें हैं वो सारी हमारी इस वाले में आ जाती है, संज्ञानात्मक विकास में। चलिए अब चलते हैं आगे, हमारा जो आखिरी है वो है सोशो इमोशनल, सामाजिक संवेगात्मक, ठीक है, सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्र। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर देखो एक तो समाज में आपके रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, अच्छा, उसके बाद में आपका खुद के इमोशंस पे क्या कंट्रोल है क्या नहीं है, इसके अंदर ये आपका मॉरल डेवलपमेंट और जितनी भी ये चीजें आती हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी अगर मैं कहूँगा, देखो अब अगर आप ये देखेंगे ना कि आपकी साइकोलॉजी में आप क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो आपका लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं इसके अंदर। उसके अंदर जैसे हमारा था इंटेलिजेंस वगैरह, मेमोरी वगैरह वो पीछे वाले में था, इसके अंदर हमारा पर्सनैलिटी हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, मॉरल रीजनिंग हो गई, मॉरलिटी वाला जैसे आप पढ़ेंगे कोलबर्ग का जो हमारा कंसेप्ट होगा, जो उसने थ्योरीज दी थी वो इसके अंदर आ जाती हैं, तो वो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। अब इसके बाद में ही हम ये देखेंगे अगले वाले में कि हर स्टेज में हमारा किस किस हिसाब से होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे को कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम TCF प्रतीक मलिक पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब हम एक दो दिन के अंदर ही मैथ भी स्टार्ट करेंगे, शायद आज या कल में स्टार्ट कर दें, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। बाकी अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।